ढाका से एयर इंडिया का विमान दिल्ली में उतरा। बांग्लादेश से आए यात्रियों ने बताई वहां की स्थिति, कहा पहले के मुकाबले सुधरे हालात। अब भारत से यूरोप जा सकती शेख हसीना, सूत्रों के हवाले से खबर। अगले 48 घंटे में छोड़ सकती है भारत। गाजियाबाद के अवेस पर गरुड़ कमांडोज की निगरानी में है शेख हसीना। बांग्लादेशी कमान अब मोहम्मद यूनुस के हाथ में है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस बने हैं बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन की अध्यक्षता में लिया गया फैसला। बांग्लादेश की सेना में बड़ा फेरबदल, मेजर जनरल जियाउल अहसन को दरअसल हटाया गया और लेफ्टिनेंट जनरल की बात की जाए मोहम्मद सैफुल आलम देखेंगे विदेश मंत्रालय। लेफ्टिनेंट जनरल विजानो शमीन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ बने। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद हिंदुओं और मंदिरों को बनाया जा रहा है निशाना। मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ की गई है। कट्टरपंथियों ने तोड़फोड़ के बाद आग लगाई। बांग्लादेश में काली माता मंदिर पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया। ठाकुरगांव जिला के पीरगंज में हमला किया गया। मंदिर में तोड़फोड़ के बाद आग भी लगाई गई। बांग्लादेश में न्यूज चैनल पर हमला हुआ है। न्यूज चैनल के दफ्तर में घुसे उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ की। वडोदरा में बांग्लादेशी छात्रों का हालचाल जानने के लिए इंटरनेशनल अफेयर्स डिपार्टमेंट ने दरअसल मीटिंग की और मीटिंग में जारी है छात्रों की स्थिति। बांग्लादेश के हालात पर दिल्ली में ताबड़तोड़ बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री जयशंकर और एनएसए ने की बैठक। सुरक्षा पर भी की गई चर्चा। संसद में बोले जयशंकर, ढाका उच्चायोग के संपर्क में है भारत। बांग्लादेश हिंसा पर अमेरिका की भी कड़ी नजर है। व्हाइट हाउस के सचिव ने एक दावा किया है, हमले में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना जताई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बोले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदुओं के लिए हमें देश के द्वार खोल देने चाहिए। लोगों से की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील। बहुत ही जल्दी भारत को अपना विशाल दिल दिखाते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के लिए विशेष व्यवस्था के साथ द्वार खोल देने चाहिए। और योग गुरु बाबा रामदेव ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं पर कहा कि बांग्लादेश में हिंदू भाइयों पर क्रूरता अत्याचार जुल्म ना हो। देश में हमारे हिंदू भाइयों पर किसी भी प्रकार की कोई क्रूरता अत्याचार जुल्म जाते ना हो। बांग्लादेश में हिंदुओं और मंदिरों पर हो रहे हमले पर आरएसएस नेता ने सरकार से अपील की है और ये कहा है कि सुनिश्चित करें कि बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित रहे। हमें विश्वास है कि मोदी सरकार सही कदम उठाएगी। तो हम सरकार से निवेदन कर रहे हैं कि एक सुनिश्चित करें कि वहां के हिंदू सुरक्षित रहे और हमको विश्वास है कि सरकार कुछ कदम उठाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर एक मीटिंग की और शाह के आवास पर बैठक में मनोहर लाल और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी समेत कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ी है। ईडी ने कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। मामले में तेजस्वी यादव को बनाया गया आरोपी। 13 अगस्त को मामले में अगली सुनवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अयोध्या दौरे का दूसरा दिन तट पर बमलीन परमहंस रामचंद्र दास की समाधि स्थल पर पूजा पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नजर आएंगे और वहां पर सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। तैयारियां पूरी की गई। अयोध्या के बाद अंबेडकर नगर दौरे पर जाएंगे सीएम योगी। सर्किट हाउस में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कटहरी विधानसभा उपचुनाव की तैयारियों का लेंगे फीडबैक। सपा के बागी विधायक अभय सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अयोध्या की समस्याओं को लेकर सवाल उठाए और कहा कि डीएनए की मांग करने वाले अंतर आत्मा को झांके। निर्दोष युवक के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करने के मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया ट्वीट। सीएम योगी को टैग कर यूपी पुलिस पर साधा निशाना। तमिलनाडु के सोलार में आज से बहुपक्षीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 का आरंभ और यूके जर्मनी फ्रांस स्पेन की वायुसेनाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर में बड़ी साजिश नाकाम। सेना ने आतंकियों के समूह को घेरा। बसंतगढ़ के जंगलों में छिपे 4 आतंकियों को घेरा गया। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के डीएम इंदुमती का थप्पड़ मारने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। शरीर से सटने पर एक फरियादी को थप्पड़ मार दिया था। पुलिस ने फरियादी को हिरासत में भी लिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में अवैध कॉलोनियों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। 60 बीघा जमीन पर बने 5 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। बिना नक्शे के काटी जा रही थी अवैध कॉलोनी।
उधर फिरोजाबाद में गैंगस्टर साजिद खान पर फिर चला पुलिस का हंटर। 37 लाख से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की गई। इससे पहले साजिद खान की 2.5 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को सीज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस को जान से मारने की धमकी पोस्ट की गई थी। भीमसेना का जिला अध्यक्ष है आरोपी पंकज। मध्य प्रदेश की शिवपुरी में डॉक्टर की दबंगई का एक मामला सामने आया। युवक को जूते से पीटने का आरोप। वायरल वीडियो होने पर पुलिस ने डॉक्टर पर SC/ST एक्ट और मारपीट का मामला दर्ज किया। दरगानपुर के उर्सेला अस्पताल में दबंगों ने डॉक्टर के साथ मारपीट की। मरीज को डिस्चार्ज कराने को लेकर पूरा विवाद हुआ। पुलिस ने मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बुलंदशहर में ग्रामीणों ने एक हमलावर को पकड़कर धुनाई भी कर दी और वीडियो वायरल हुआ। दो बाइकों पर आए थे आधा दर्जन हमलावर। पुणे के हटपसर इलाके में बिना ड्राइवर के टेम्पो अचानक से रिवर्स गियर में चलने लगा और तेजी के साथ पीछे की तरफ दौड़ने लगा। हालांकि वहां मौजूद लोगों की सतर्कता के कारण एक बड़ा हादसा होते होते चला है। जौनपुर में जेसीबी छोड़ने के लिए घूस लेते दरोगा गिरफ्तार। एंटी करप्शन टीम ने दरोगा को 10,000 घूस लेते गिरफ्तार किया। बुलंदशहर के खानपुर में स्कूल से घर जा रही छात्रा के साथ छेड़छाड़। बाइक सवार दो शहीदों ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर मारपीट की गई। पुलिस ने दोनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरनगर में तेज रफ्तार बाइक अचानक से बीच सड़क पर फिसल गई। घटना कैमरे में कैद हो गई। हादसे में एक युवक घायल हो गया। राजौरी में बारिश के बाद उफान पर नदियां, जलस्तर बढ़ने से लोगों में दहशत का माहौल। मध्य प्रदेश के बहर में बारिश के कहर से टूटा राजा बांध और बांध के टूटने से सड़कें पुलिया बह गई। नदी के दोनों ओर लोग फंस गए। प्रशासन मौके पर मुस्तैद नजर आया। पेरिस ओलंपिक में भारत का एक और मेडल पक्का। कुश्ती के फाइनल में पहुंची विनेश फोगाट। एक क्यूबा की रेसलर को 5-0 से हराया। आज फाइनल खेलेंगी विनेश फोगाट। उधर अमेरिका के फ्लोरिडा में अनियंत्रित कार रेलिंग से टकरा गई। हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। एक युवक घायल हो गया। हानिया की मौत के बाद अहवा सिंबार बना हमास का नया लीडर। इजरायली हमले का था मास्टरमाइंड। आतंकी संगठन हिजबुल्ला ने इसराइल पर किया ड्रोन से हमला। ईरान भी इसराइल से युद्ध के लिए तैयार है और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही सुलेमानी फोर्स तैयार कर रहा ईरान। इसराइल के आरन डोम ने हिजबुल्ला के 3 रॉकेट को नष्ट किया है। गाजा पट्टी से किया गया था इसराइल पर हमला। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह की इमारतों पर IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस का हवाई हमला। हिजबुल्लाह की दक्षिणी फ्रंट इकाई से जुड़ी हुई एक इमारत को निशाना बनाकर हवाई हमला किया गया। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर किया ड्रोन अटैक। हिजबुल्लाह के वैन स्टोरेज को नष्ट किया गया। हिजबुल्लाह ने पिछले 300 दिनों में इजराइल पर हुए हमले का एक वीडियो भी जारी किया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी करते हुए इजराइल को धमकाया भी। लेबनान में हिजबुल्ला ने इसराइल को धमकी दी और कहा कि हानिया की मौत का बदला लेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे आपको अगली खबर बताएंगे। दरअसल टीम वाल्स बने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार और अमी ने सोचा कि गवर्नर टीम वाल्स को राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में चुना गया। 60 साल की टीम वाल्स को एक मिडविंस्टर गवर्नर और सैन्य दिग्गज यूनियन समर्थक भी है। अमेरिका में उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने अपनी पहली रैली की और भाषण के दौरान बयान दिया और कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनना गर्व की बात है।